26 अप्रैल को देश के आम चुनाव का सेकेंड चरण होने जा रहा है। राजस्थान की 13 सीटें जहां पे 26 अप्रैल को मतदान है, ये मतदान लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है। मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और सर्व समाज पूरे राजस्थान के मतदाताओं से अपील करता हूं इन 13 सीटों पे कि 26 तारीख को आज से वो जुड़ जाएं। और ये 13 सीटें जहां कांग्रेस प्रत्याशी खड़ा है, 13 सीटों पर जहां से शुरुआत होती है जालौर से लेकर कोटा तक, तमाम जो बीच की सीटें हैं सारी, इन सब पे आप लोग मजबूती से इंडिया अलायंस के अंदर, जहां राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इंडिया अलायंस का पार्ट है, और आप सब लोग आरएलपी के कार्यकर्ताओं सहित तमाम जो मुझे चाहने वाले हैं राजस्थान के अंदर, वो सब कांग्रेस पार्टी को इन 13 सीटों पे भारी मतदान करें। और भारतीय जनता पार्टी का घमंड, जो प्रधानमंत्री और अमित शाह का घमंड है, उसे चकनाचूर करें। याद करें कि किस तरह किसान, जवान, पहलवान बेटियां और बढ़ती महंगाई, जिस तरह इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नाम से चंदा लिया गया, गाय के मांस का निर्यात करने वाली कंपनियों से 250 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रोल बॉन्ड ले लिया गया, तो इन सब बातों को याद रखते हुए इस बार करारा जवाब राजस्थान की जनता दें। पहले फेज के जो 12 सीटों में चुनाव हुए थे उसमें भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन बुरी तरीके से हार रहा है, इंडिया अलायंस आगे, और इस सेकेंड चरण में भी 26 तारीख होने वाले चुनाव के अंदर आप सब लोग भारी मतदान कांग्रेस पार्टी के समर्थन में करके और इंडिया अलायंस को भारी वोटों से यहां से जीता है। ये 13 सीटें जो है, मैं क्रमवाइज आपको बता दूं, 13 सीटें जो जालौर से शुरू होकर कोटा तक जाती है, बीच का ये पार्ट है, इन तमाम सीटों में जिसमें जोधपुर की सीट भी है, जिसके अंदर टोंक सवाईमाधोपुर भी है, जिसमें अजमेर भी है प्रमुख तरह से ये सीटें, जहां चित्तौड़ भी है, जहां मैं स्वयं भी गया, और भी जहां मेरे बाकी पार्टी की, मैं इकाई को धन्यवाद दूंगा कि पहले दिन से सारी पार्टी कांग्रेस पार्टी के साथ लग गई थी राजस्थान के अंदर। मुझे पूरा भरोसा है कि अब सारे लोग मेरी इस अपील को, व्यक्तिगत अपील को, वहां की उपस्थिति मान के, जब मैं नहीं आ पा रहा हूं वहां उपस्थिति मानेंगे, हनुमान बेनीवाल यहां उपस्थित है, वो स्वयं अपील कर रहे हैं 13 सीटों पे आप वोट डाल के कांग्रेस प्रत्याशियों को जीत दिलाएं।